अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असमा बेसिक कुकिंग व्लॉग। आम का सीज़न ख़त्म होने वाला है, कैरी का आम का, इसलिए मैंने थोड़ा सा अचार बना कर रख लिया है। तीन कैरी लिया है, ऊपर से थोड़ा कट करके पूरा बारीक बारीक कट कर लेंगे। छिलका नहीं निकालना है, बिना छिलका रख कर ही अचार बनाएंगे। देखिए ऐसा कट करने के बाद में और पूरे बारीक कट कर लेंगे। ये देखिए ऐसा कट करना है कैरी को। इसके बाद हम पूरे मसाले इसमें ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून फुल नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून फुल धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची पूरे कैरी में डालकर मसाले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बघार के लिए तेल में राया और सूखे मिर्ची डाल दिया है। इसमें हम छोटा छोटा कट करके रफली चॉप गार्लिक भी डाल देंगे, लहसुन। देखिए पूरे मसाले करी में मिला दिया है, इसको हम अब ये बघार होने के बाद में बघार में डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे रख देंगे। बीच में 1 से 2 बार चेक कर लेंगे। देखिए एक बार चेक कर लेंगे, ढाप कर रख दे के इसको हम 10 मिनट तक लो फ्लेम पर ही पकने छोड़ देंगे। देखिए अच्छे से गल गई है थोड़ी कैरी, और पाँच मिनट तक ढाप कर पकने रख देंगे। देखिए फिर से चेक करेंगे, चेक करने के बाद में तो अच्छे से गल गई थी कैरी धीमे पे रखने से, बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। देखिए देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, गरम गरम खाने में दाल खाने के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। इसको हम कुछ दिन तक यूज़ कर सकते हैं, कांच के बॉटल में डालकर रख देंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।